अखिलेश ये बताइए कि इस इलेक्शन में सब कह रहे हैं कि अब आप और बीजेपी का स्ट्रेट फाइट होने वाला है, और आपने ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस, खासकर जो पैंडेमिक है, कोविड हैंडलिंग, उस पे आप अटैक कर रहे हैं रोज, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब सब ठीक कर दिया उन्होंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना का, हर जगह उनके होर्डिंग्स लग गए हैं कि सारा मिशन सक्सेसफुल है, बीजेपी भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऑल इज वेल, वो कह रही है। मैं एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, और इस बात को मैं इसलिए कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारें मिलकर के ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या विकास किया है। जिस समय सबसे बड़ी परीक्षा थी सरकार की, जी उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया, सड़कों पे चलने को मजबूर किया। पहले ही वेव जिस समय आई कोविड अब की, आप पहले वेव की बात कर रहे हैं नहीं और जो लॉकडाउन की बात कर रहे मैं हैं। पहला लॉकडाउन और दूसरी वेव दोनों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा जनता प्रभावित हुई। कोई सरकार ऐसी होगी कि अचानक कह दे कि लॉकडाउन हो गया, लोगों को चलने के लिए मजबूर कर दिया हो? उत्तर प्रदेश में 100 के लगभग गरीब लोगों की जान गई, एक की भी मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। उसके बाद ये दूसरी वेव आई, अब होर्डिंग लग गए हैं, इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जी सरकार अभी भी आंकड़े छिपा रही है, सरकार जानती है कि कितने लोगों की जान गई, क्योंकि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। आपका आपका कहना है कि डेथ्स ज्यादा हुई हैं, जो ऑफिशियल संख्या है उससे ज्यादा हुई हैं, और लेकिन उसकी उसकी उसका प्रूफ क्या है अखिलेश? पिछले अगर हम एक महीने का पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखें तो लखनऊ में बैठक, दिल्ली में बैठक, इन्हें जान गई उसकी परवाह नहीं है। लोग जो परिवार के जान चली गई जिनकी कोविड में, उसकी परवाह नहीं, केवल इन्हें कुर्सी की चिंता है। और कुर्सी की चिंता क्यों ना हो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो। जहां तक आंकड़े की बात है, यहां अखबारों ने भी छापे हैं, टीवी ने भी दिखाए हैं कुछ लोगों ने, कि कितनी बड़ी समस्या थी, कितने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई। जो आप कह रहे हैं कि खासकर जो घाटों पे, और मैं गंगा बहुत के घाटों जल्दी, पे जो इतने बॉडीज आए थे। और बहुत जल्दी हम सूची भी जारी करेंगे कि किन किन गांव में उस दौरान जान लोगों की गई है। और फिर जब गंगा मैया ने बता दिया हो कि इतने लोग जान चली गई है, क्या गंगा मैया में नहीं दिखाई दिया लोगों को? पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जान गई और कैसे कैसे डेड बॉडी बह के चली गई। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं, जब केसेस डाउन हो गए हैं, वैक्सीनेशन का दायरा बहुत तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप योगी कह रहे हैं कि अब मैंने सिचुएशन को काबू में ले लिया है, उस पे आप क्या कहेंगे? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि दो डोज जरूरी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, अब एक डोज जरूरी हो गया, और फिर वैक्सीन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। मैं तो कहता हूं कि वैक्सीन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो दो लगवा लेगा, तीन लगवा लेगा। आप जिसको लगवानी है आप इंतजाम कीजिए। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता पूरी तरीके से तैयार है कि वैक्सीन उसको फ्री लग जाए, लेकिन सरकार का इंतजाम कहाँ है? नहीं, सरकार के लेकिन आंकड़े कहाँ हैं?